रायबरेली एक्सप्रेस खबरें सबसे सही। रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के रहवा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पेड़ पर चढ़कर डाल काट रहा युवक डाल की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने आनन फानन नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गयी। बताया जा रहा है कि पवन कुमार निवासी रहवा गांव के पास ही एक नीम का पेड़ काट रहा था, तभी डाल कटने के बाद पेड़ की डाल युवक से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन ग्रामीणों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद पवन को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं जिला अस्पताल में पवन की इलाज के दौरान मौत हो गई। पवन की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि युवक की मौत पेड़ काटते समय डाल लगने से घायल हो गया था, प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं आपका राम बहादुर भैया, क्या घटना हुई है? घटना हुई, हम लोग नीम की लकड़ी काट रहे थे, वो उसको ऊपर चढ़ाया गया। कैसी लकड़ी थी वो? कौन कटवा रहा था? अकलेश कटवा रहे थे, राजकुमार। अच्छा, कौन है ये? ये चकुंडा के राजकुमार। अच्छा, फिर वो लकड़ी काटा उसने मशीन से, वो जहाँ कट गई जब ना, उसको उसी धड़ाक दिला दिया उसको। अच्छा, फिर उसको सीधी ढीला कर हम लोग उतारे, फिर यहाँ जिला अस्पताल ले गए, वहाँ से देखे कुछ इलाज विलाज किया, सुई दुई तो लगा ले और फिर हाँ उसको कहीं यहाँ से रिफर कर दो, तो सीधा उसने डॉक्टर ने एम्बुलेंस मंगाया और मंगा कर उसमें जल्दी भरा, हम लोगों को बैठाया, बस चल दी वहाँ से। तो वहाँ जैसे नटे रहे कि जैसे सब पूछताछ हुई, डॉक्टर लोग पूछताछ करने कहने तो खत्म। नाम है आपका? सुभाष। क्या घटना हुई भैया? वहाँ पर हम पंडितपुरों में लकड़ी काट रहे थे, दो नंबर लकड़ी नीम की थी, तो वहाँ पर काट रहे थे ये लोग, मतलब धीरे धीरे काट रहे थे, वहाँ पर मतलब घर टूटने का दिक्कत थी, इसलिए मतलब ये बोले कि उसको चढ़ा दो, ये जल्दी जल्दी काट देगा, इसकी वजह से वो मतलब उनके कहने पर चढ़ा, ठीक है। वहाँ पर वो लकड़ी झोल मार के उसके उसको दबा दिया, जिसकी वजह से उसके यहाँ पर पूरे पेट के अंदर हर जगह दर्द महसूस होने लगा। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, इलाज करवाया। कौन से डॉक्टर को? बंगाली, यहाँ सिरसा पे। ठीक। तो यहाँ पर कुछ देर तो आराम था, बाकी उस तरह का आराम नहीं था जैसे मतलब उनको कहीं लेके दिखाना चाहिए, दिखाया विखाया कुछ भी, यहाँ पर किसी को फ़ोन करने दिया, ठीक है। फिर वहाँ पर हम लोग ज़बरदस्ती कहे कि इनको लेके चलो, कि अपनी गाड़ी में लेके गए, जब लेके गए वहाँ पर ये ब्लॉक में मतलब इसको बेहोश हो गया, ये तो वहाँ पर ये छोड़ छाड़ के चले आए, बोले कि एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो। एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो वहाँ पर डॉक्टर के रिक्वेस्ट करने पर एम्बुलेंस आई, नहीं तो आती भी ना। जब आए तो वहाँ पर हम लोग लेके गए और ये बोले कि हमारे वहाँ गए भी नहीं ठेकेदार, तो वहाँ पर जो अकलेश थे वो साथ में गए दोनों जने का बताओ, ठीक है सुनो तो वो मतलब राजकुमार नहीं गए और अकलेश हमारे साथ में गया था। वहाँ पर हम लोग जब मतलब पूछताछ हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी जानकारी ले रहे थे डॉक्टर लोग, तो बोले कि मतलब सारी चीज़ बताया घटना अनुसार कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसके बाद आप सीएससी से कहाँ ले गए? वहाँ से जिला अस्पताल लेके गए। फिर कहाँ क्या हुआ? वहाँ पर चेकअप किया, मतलब कहीं कोरोना वोरोना तो नहीं, पूछताछ कर रहे थे, नाम वाम सारा कुछ जानकारी लिया। फिर उसके बाद हमारे पापा को फ़ोन आया, क्योंकि वो ब्लॉक पे यहाँ पर देखने के लिए खड़े हुए थे। नहीं, डॉक्टर को दिखवाया फिर आपने? हाँ सर, दिखाया था। तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर वहाँ पर चेक ही कर रहे थे कि पापा का फोन आ गया, और बाकी एक डॉक्टर तो आया, बोला कि इसको अंदर लेके जाने की कोशिश करो। दोबारा में जब मैं उधर जाने की कोशिश किया तो बोले कि खत्म हो गए, हम इधर पापा को फोन करने आ गए, फिर कि पापा वहाँ पर न जाओ, घर चले जाओ, तो बोले कि चलो ठीक है। जब वहाँ पर गए तो देखा तो वाकई में वो खत्म हो चुका था। उसके बाद फिर फोन आया दोस्तों का, बोले कैसा है कैसा नहीं, तो हम बता ही रहे थे कितने में अंगूठा का निशान निशान सारा को लगवा लिया और गाड़ी भी बुक करा लिया, पता भी नहीं चला कितने में गाड़ी किया क्या नहीं किया, सारा कुछ हमें पता नहीं है।